हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप लोग। आज की रेसिपी है चीजी मैगी सैंडविच की। अब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि अमन मैगी तो सिंपल ही अच्छी लगती है, पर ट्रस्ट में कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया था एंड बहुत ही इजी है बनाना। पर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मैगी सिंपल पसंद है या मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। पर उससे पहले शुरू करते हैं रेसिपी से। सबसे पहले हम बनाएंगे मैगी, उसके लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे तेल, उसको गर्म होने देंगे ऑन हाई फ्लेम। और जब तक तेल गर्म होता है तो हम एक बनाएंगे पेस्ट, उसके लेंगे हम मैगी मसाला, सॉल्ट, टर्मरिक या हल्दी और पानी, और उसको मिक्स करके हम पेस्ट बना लेंगे। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पेस्ट वो डाल देंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे, और इसको फिर हम भूनेंगे जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। और जैसे ही ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी और उसको बॉयल होने देंगे ऑन हाई फ्लेम। और जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा तो हम कवर हटा देंगे एंड इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे क्रश्ड मैगी एंड मैगी को फिर हम बनने देंगे ऑन मीडियम फ्लेम। अब 2 से 3 मिनट के बाद हमारी मैगी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और जब मैगी बन जाएगी तो उसके बाद हम लेंगे 2 सैंडविच ब्रेड और उसमें अप्लाई करेंगे बटर, खूब सारा बटर दोनों ब्रेड पे, और फिर चटनी और सेजवान सॉस। और उसके बाद हम स्प्रेड करेंगे वेजीज जैसे कि अनियन, कैप्सिकम, टोमेटोज एंड कैबेज। और वेजीज स्प्रेड करने के बाद हम ब्रेड पे स्प्रिंकल करेंगे ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड चाट मसाला, और उसके ऊपर फिर हम डालेंगे मैगी जो हमने पहले बनाई थी। और मैगी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चीज़, मतलब जितना चीज़ डाल सकते हो डाल देना, मतलब चीज़ डालने में ना बिल्कुल भी बनिया मत बनना, जितना चीज़ डाल सकते हो उतना चीज़ डालना आप लोग। और चीज़ डालने के बाद हम दोनों ब्रेड पे एक और स्लाइसेस रखेंगे सैंडविच ब्रेड की, और उसके बाद फिर हम बटर अप्लाई करेंगे दोनों ब्रेड पर फिर से। अब हम ब्रेड को टोस्ट करेंगे, और टोस्ट करने लेंगे हम एक पैन और उसमें ऐड करेंगे ऑयल एंड बटर एंड इसको गर्म होने देंगे ऑन हाई फ्लेम। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो हम इसको ब्रेड को प्लेस कर देंगे इसके अंदर और टोस्ट करेंगे दोनों साइड से ऑन मीडियम फ्लेम। Now your delicious cheesy Maggie sandwich is ready to serve. जरूर try करना है recipe। Bye bye, Tata, फिर से मिलेंगे किसी new recipe के साथ।